अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और मुतारी इन्फॉर्मेटिव की तरफ से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि देखिए इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी तो थोड़ी देर पहले 28 जो था इसका ह्यूमिडिटी थी, और अब देखें 33, ये तकरीबन 38-35 तक पहुँच गई थी। अभी 35 थी, पीछे हो गया, अब थोड़ी सी बेहतर हो गई है, क्योंकि तकरीबन शाम के 4 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे देखा तो ये 38 थी। नाज़रीन बताना ये है कि देखें इस वक्त फर्टिलिटी कम होगी, बहुत ज़्यादा कम हो रही है, फर्टिलिटी में इशू आएगा, ये ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, उसको बरकरार रखने के लिए आपको पानी का स्प्रे करना पड़ेगा, या कुछ भी ह्यूमिडिफायर लगा के लगा लें, या उससे भी बेहतर है आप पानी का स्प्रे करें। सबसे बेहतर ये है कि स्प्रे करें। स्प्रे करने से होगा ये कि जो आपकी जो ह्यूमिडिटी वो बेहतर रहेगी, जिससे डेड इन शेल होने का जो खतरा होगा बहुत कम होगा। तो अचानक ये वीडियो बनानी पड़ी नाज़रीन, मैंने देखा चलो थोड़ी सी अपनी सेटअप की प्रोग्रेस भी दिखा दूँ और ये वीडियो भी बना दूँ। चलो शुरू करते हैं अपने काम को। अच्छा नाज़रीन देखिए, ये हमारे काफ़ी सारे होगरोमो थे जो हमने रखे हुए यहाँ पे, और कुछ इसमें चिक्स भी निकले हुए हैं, और चीज़ के साथ साथ कुछ रेड आई भी चिक्स हैं, और कुछ ब्लैक आई भी हैं, कुछ बड़े पेटल के हमारे ब्रीडर पर भी जो हमने रेस्टिंग के लिए डाले, जिनके तकरीबन 3-4 ब्रीडर हो गई हैं, तो हमने इनको रेस्ट के लिए डाले, तो उसके भी रिपोर्ट है। और देखें इसके साथ साथ हम आपको दिखाएं, यह हम एक बच्चा हम हैंड टेम करने के लिए हमने इस बच्चे को निकाला हुआ है। देखें माशाल्लाह ये ऑरेंज वुड का बच्चा है। हाँ, ये बहुत फ्रेंडली बच्चा है, खेलता है हमारा, ऑरेंज वुड का बच्चा है ये, और ये हमने हैंड टेम कर रहे हैं इसको, इसी पर्पस में हमने निकाला हुआ है इसको। अच्छा, ठीक है। नाज़रीन देखें ये हमारे कुछ लवबर्ड्स है, जिसमें हमने जो फ्लाइंग केज में हमारे डले में खोलें फ्लाइंग केज को जी, देखें जिसमें ये कुछ स्प्लिट अल्बिनो रेडाई के स्प्लिट है, कुछ ग्रीन ऑफलाइन भी हैं, फिर ग्रीन यूविंग ऑफलाइन भी हैं, कुछ पार्बुलू फिशरी भी हैं, कुछ इनो स्प्लिट फिशरी भी हैं, काफ़ी सारे ये हमारे कुछ पट्टे भी हैं, कुछ बड़े भी। देखें ये यूविंग ऑफलाइन का मेल है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन का मेल, बहुत अच्छा है। इसमें कुछ मिस्ट्री फिशरी भी, मिस्ट्री में फिशरी भी हैं, कुछ इनो स्प्लिट फिशरी भी हैं, कुछ ग्रीन ऑफलाइन के मेल भी हैं, दो मेल हैं, मेरे ग्रीन ऑफलाइन ऊपर है वो भी मेल है, और ग्रीन यूविंग ऑफलाइन है ये भी मेल है। ये फ्लाइंग केज में मेरे पड़े हैं माशाल्लाह, ये फर्स्ट क्लास हैं। इसमें फिशरियाँ जो हैं तमाम इनो स्प्लिट हैं, दो फिशरी ऐसी हैं जो पार्बुलू स्प्लिट हैं, यानी ब्लू टू हैं। नाज़रीन देखें हमारा एक पेयर था, ये होगोरोमो रेडाई का दिखाता हूँ आपको, देखें। अच्छा देखिए इसके चिक्स निकले हुए हैं, कितने चिक्स हैं देखिए ज़रा। अच्छा एक चिक बिल्कुल अंदर कोने में घुसा हुआ था, इसके 4 चिक्स हैं। ये होगोरोमो क्रीम का रेडाई का पेयर है, इसके भी 4 चिक्स हैं। देखें इसकी आपको ये फीमेल दिखा दें, ये फीमेल है और इसका ये मेल है, माशाल्लाह ये दोनों डबल फ्लावर हैं, बहुत अच्छा पेयर है, ये बहुत अच्छी ब्रीडिंग करता है। इसकी मैंने पहले भी वीडियो दिखाई थी, मैंने आपको डाली थी, अगर कोई लेने चाहे तो ये दे भी देंगे, स्क्रीन पे नंबर चल जाएगा, आप देख के मुझे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन देखें ये येलो जो लोटिनो होगोरोमो का मेल है, इसके साथ फीमेल दिखाते हैं आपको हम, कौन सी लगा रखी है। ये फीमेल ऊपर चढ़ गई है, ये आ गई है, टीसी भी होगो की फीमेल है, और इसने माशाल्लाह इसने एक लाइन किए में, ये टीसी भी होगो की फीमेल है, वो बिल्कुल ऐसी रास्ते में आ गई है, क्या कर यहाँ से गलत अंदर जा रही है, डबल फ्लावर की फीमेल है, बहुत अच्छी है, तो ये आ गई है देखें माशाल्लाह, बहुत अच्छी फीमेल है ये, बहुत अच्छा प्यार है। नाज़रीन देखें ये अल्बिनो रेडाई का हमारा प्यार है, बहुत ज़बरदस्त प्यार है, इसका साइज़ देखें हम, इतने बड़ा मेल है इसके साइज़ का, बिल्कुल अच्छा मेल की फर्स्ट ब्रीड है, और फीमेल मेरे पास 2-3 ब्रीड कर चुकी है, फीमेल मेरे पास बहुत अच्छी फीमेल है, इसके नीचे जो डंडी बैठी है फीमेल है, और ये माशाल्लाह इसका रिकॉर्ड है, इसने 4-5 एक दफ़ा 5 बच्चे भी पाले, एक दफ़ा 4 बच्चे भी पाले, ये वैसे बहुत अच्छी है, उसमें ब्रीडिंग के हिसाब से बहुत अच्छी फीमेल है। एक पेयर ये था हमारा, एक पेयर इसके बिल्कुल अच्छा, ये फर्स्ट ब्रीड का पेयर है, ये दूसरा पेयर है, इनकी एज तकरीबन 9-10 महीने, मेल का भी मैंने डीएनए करा लिया, मेल का वैसे मेल आया डीएनए में, ये पूरा 100% पेयर है, और पेयर भी लग चुका, बॉन्डेड पेयर है, एक ये पेयर भी है। अच्छा नाज़रीन देखें कि ये ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है, तकरीबन ऑफलाइन ही कह लें इसको, ग्रीन ऑफलाइन ये वॉलेट ऑफलाइन का मेल है, और इसके साथ ग्रीन यूविंग ऑफलाइन की दिखाते हैं आपको, ये देखें ग्रीन यूविंग ऑफलाइन की बहुत ही खूबसूरत फीमेल है इसकी, ये बहुत अच्छी फीमेल है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत फीमेल है देखें ये, तो ये पेयर है, ये अभी पेयर हमने लगाया, बॉन्ड हो गया है माशाल्लाह, ये अब देखें ये एक लाइन करेगा। नाज़रीन देखें ये फेलो कॉकटेल स्प्लिट कॉकटेल की फीमेल है, इसके साथ हमने फेलो डाला हुआ है, और इसके हाँ बच्चे निकल गए हैं माशाल्लाह, हाँ जी बच्चे निकल गए हैं इसके, फेलो कॉकटेल के बच्चे हैं,
और इसके बच्चे निकल चुके हैं। कितने बच्चे निकले हैं इसके? दो बच्चे निकले हैं माशाल्लाह से इसके, और ये बहुत अच्छा मेल है, ये फेलो का मेल है, ये देखें आप, बच्चा बहुत तेज़ है इसका। चलें देखें नाज़रीन, ये आपने देखा होगा येलो चिक के बारे में सुना होगा, ये मेल जो है फेलो कॉकटेल येलो चिक का मेल है, और इसके साथ फेलो कॉकटेल यानी कि चारकोल फेलो की फीमेल है, ये फेलो का पेयर है पूरा। इसके असल में बच्चे दो हमने जो अपने दोस्त को दे दिए, हैंड फिट पे ले गए वो, एक बच्चा इसका और है वो दिखा। और नाशिन देखिए ये मेल है, ये पट्ठा है, एक ही पट्ठा निकला था इनका, तीन पट्ठे निकले थे, दो हमने दे दिए दोस्त को, एक ही रखा हुआ हमने अपने पास। ये माशाल्लाह देखें, ये फेलो का पट्ठा, ये देखें नाशिन, ये ग्रीन यूविंग का बच्चा है, स्प्लिट पार ब्लू, ये बहुत ज़बरदस्त है। दो बच्चे निकले हैं इसके माशाल्लाह से, तीन निकले थे, एक तो डेड हो गया था शुरू में ही मर गया था, और दो बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। देखिए ग्रीन यूविंग स्प्लिट पार ब्लू का बच्चा है ये, देखिए इसके माँ बाप को दिखाते हैं। सही, और देखिए माशाल्लाह ये हमारी अल्बिनो की ब्रीड पर आई हुई है, अभी तीन बच्चे जो इसके छोटे हैं, एक ये बड़ा था तो हमने निकाल के दिखाया, इसका रिंग दिखाया, रिंग डाला हुआ इसमें, हाँ ये देखें, ये एम सन्स का रिंग डाला हुआ, ये हमारे एम सन्स सेवरी के नाम से, और ये माशाल्लाह हमारा रिंग है, और ये अल्बिनो रेड आई के चार बच्चे हैं इसके, इसमें एक बड़ा बच्चा निकाल के दिखाया हमने आपको, और इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। और देखिए माशाल्लाह से ये रेड ओडो प्लान के जो बच्चे बड़े हो गए थे, हमने इनको अलग कराया, अभी ये चार पाँच दिन पहले अलग कराया, कुछ ये बच्चे हैं रेड ओडो प्लान और ये लोटिनो रेड ओडो प्लान के, कुछ ऑरेंज ओडो प्लान के बच्चे हैं वो भी दिखाते हैं आपको। तो देखें एक ये वाला ऑरेंज हुड है, ये वाला जो बच्चा है ये ऑरेंज हुड है, और ये जो है ये रेड हुड है, ये माशाल्लाह दोनों बच्चे हैं इसके, और बच्चे सारे इसके बाहर आ गए। इनमें से दो बच्चे वही जो बड़े हो गए, इनके सेल्फ हो गए, उनको बाहर कर दिया हमने, अभी ये थोड़े छोटे थे, इनको थोड़ा हफ्ते दस दिन लगेंगे सेल्फ होने में। एक ये ऑरेंज हुड है और एक ये रेड हुड है, डाल दें इनको, डाल दें और नाजिन देखें, ये एक अल्बिनो होगोरोमो रेडाई का पेयर था डबल फ्लावर का, ये बहुत अच्छा पेयर है, पेयर से आकर हूँ पेयर है, और ये बहुत अच्छा पेयर है माशाल्लाह से, ये ब्रीडर पेयर है मेरा, अगर कोई साहब लेना चाहे तो मुझसे रब्ता करें। ये साइज भी बहुत अच्छा है इसका, डबल फ्लावर है, और माशाल्लाह चार से पाँच बच्चे की इसकी एवरेज है अभी। असल में मेरे पास ये जगह बहुत कम हो रही है, इसके वास्ते मैं ये अपना ब्रीडर पेयर दे रहा हूँ, तो अगर कोई रब्ता करना चाहे तो रब्ता कर सकता है। नाजिन देखें, आपने बहुत सुना होगा डाइल्यूट के, ये डाइल्यूट का हमारे पास एक पीस है, आपको दिखाते हैं ज़रा, इसको जूम करके दिखाइए। देखें ये डाइल्यूट यूविंग ऑफलाइन का ये एक पीस है, और दूसरा जो देख रहे होंगे ये पेच, देखें दूसरा पीस जो है ये एच पार ब्लू पसनाटा का एक पीस है, जो आप जो सामने जाली भी चढ़ा हुआ देख रहे हैं, जो डंडी भी बैठे हैं, ये डाइल्यूट यूविंग ऑफलाइन पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन का एक पीस है। ये देखें, आपने एज बहुत सुने होंगे माशाल्लाह, आपको दिखाई दें बहुत से लोग देखे होंगे, पर ये एज बहुत कम इस वक्त हैं, और एज इस वक्त पारब्लू बहुत ज़्यादा डिमांड में, तो ये एज यूविंग ऑफलाइन पारब्लू का पीस है ये। अच्छा मैं दोनों चीज़ें मिक्स हो गई, ये डाइल्यूट पारब्लू यूविंग ऑफलाइन का पीस है, और दूसरा जो है एज पसनाटा पारब्लू है, वो जो शायद जाली भी आ रहा है। अच्छा नाजिन देखें, ये बहुत खूबसूरत पेयर है हमारा, ये टी सी बी होगोरोमो डबल फ्लावर का मेल है, और वो फेलो डब फेलो की फीमेल है डबल फ्लावर की। ये पेयर हमने नया लगाया है, इंशाल्लाह देखें इसके जल्दी क्या चांस है, क्योंकि इसकी फीमेल बहुत अच्छी है, फेलो होगोरोमो की फीमेल है, और मेल जो है ये टी सी बी डबल फ्लावर। नाजिन मेल का साइज़ बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़े साइज़ का मेल है, और इसने मेरे पास दो ब्रीड करी है मेल ने, फीमेल फर्स्ट ब्रीड करी है मेरे पास, तो अगर कोई लेना चाहे तो रब्ता कर सकता है। अच्छा नाजिन देखें, ये हमारे पास आपने सुना होगा, ये बड़ा मशहूर पेयर है हमारे पास, ये डोमिनेंट पाइट का, ये इसकी मैंने वीडियो भी बना के पहले बहुत डाली हूँ, बड़ा मशहूर पेयर है, और इसका भी माशाल्लाह देखें, एक बच्चा इसका बचा है, सारे बच्चे बाहर कूद गए, मैंने फ्लाइंग केज में दिखाते, एक बच्चा इसका छोटा है, दिखाते हैं आपको, ये देखें ये बच्चा बिल्कुल येलो निकाला इन्होंने। अच्छा ये पेयर भी कोई लेना चाहे तो मुझसे रब्ता कर सकता है, डोमिनेंट पाइट वाला, ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त पेयर है, ब्रीडर पेयर है, इसकी मैं पहले वीडियो बना के भी डाल चुका हूँ बहुत सारी। देखें ये एक पाइट का मेल है, और इसके साथ टी सी बी की होगोरोमो की फीमेल है, इसको दिखाते हैं इसके क्या हुआ, इसने अंडे दिए हैं, हाँ ये देखें ये बच्चे निकले इसके क्या, हाँ जी माशाल्लाह बच्चे निकल गए इनके, एक बच्चा निकला है अभी और निकलने वाले हैं, अगर कोई लेना चाहे तो मुझे बता सकता है जो पसंद आए आपको। हाँ नाजिन देखें, ये एक पारब्लू की फीमेल है, ये वॉलेट फिशरी पारब्लू की फीमेल है, बहुत ज़बरदस्त मेरे पास ब्रीड करी है इसने, और इसके साथ एक फिशरी है स्प्लिट इनो की फिशरी, दोनों फीमेल हैं ये,
मेरे लिए असल में मेरे पास मेल नहीं है इसके नाप के, क्योंकि ये ब्रीडर है, मेरे पास ब्रीडर मेल नहीं है कोई। अगर कोई लेना चाहे तो रब्ता कर सकते हैं, आ जाओ। नदीन देखें, ये दो पार्बलू पसनाटा इनो स्प्लिट के दो अदर मेल थे, आइडियातन मेल हैं। इनकी एज तकरीबन 6 से 7 महीने, दोनों मेल ही लग रहे हैं वैसे ये। और डीएनए नहीं करवाया क्योंकि थोड़े बहुत कभी कभी गलती भी आती है। माशाल्लाह साइज़ बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत चीज़ है ये। देखें आप, ये बहुत तेज़ हैं, इनको अलग डाला हुआ है मैंने इसलिए। ये दोनों मेल हैं पार्बलू पसनाटा, एक वॉलेट में है और एक ब्लू में है, दोनों के दोनों इनो स्प्लिट हैं। नाजिन देखें, ये दो मेरे हैंड फिट होते हैं। एक तो फेलो येलो चिक एमरल्ड की फीमेल है, देखें नाजिन, इसको कहते हैं एमरल्ड येलो चिक फेलो कॉकटेल की फीमेल है। एक ये पट्टा है, फीमेल ही लग रहा है एडिटन ये अभी। और देखें दूसरा जो ये फेलो स्प्लिट का एक पट्टा था, ये फेलो स्प्लिट था। हाँ, ये भी माशाल्लाह अभी छोटे हैं, ये तो छोटा हैंड फिट लेता है, वो तो क्या सेल्फ हो गया है। दूसरा वाला जो पीछे येलो चिक वाला हमारा, ये बहुत खूबसूरत म्यूटेशन है, ये बहुत प्यारी म्यूटेशन है। नाजिन देखिए, हमारे पास कॉकटेल हैं, कभी ये फेलो कॉकटेल चारकोर का मेल है, इसके बराबर में फेलो कॉकटेल चारकोर का मेल बैठा हुआ है। अच्छा, उसके बाद कुछ वी पाइड हैं, आप देख लें माशाल्लाह से वी पाइड हैं, कुछ फेलो वी पाइड भी है हमारे पास। ये फेलो वी पाइड का मेल है, बहुत अच्छा ब्रीडर मेल है और माशाल्लाह फर्टाइल मेल है ये फेलो वी पाइड का। फेलो वी पाइड के मेल भी हैं हमारे पास, फेलो वी पाइड की फीमेल भी हैं। देखिए आप देख रहे हैं बैठी हुई जो डंडी पर, ये फेलो वी पाइड की फीमेल है। देखना चाहिए, ये फेलो वी पाइड की फीमेल है। इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि फ्लाइंग कम है, पर इसने मेरे पास ब्रीड करी है और मेरे पास इसने बच्चे निकाले हैं। इसका बच्चे निकालने का रेशियो थोड़ा कम है, तो इस वजह से मैंने इसको फिर अभी थोड़ा रेस्ट दिया। इसने दो बच्चे निकाले थे, 4 थे, 2 मर गए, 2 बच्चे थे, तो मैंने थोड़ा रेस्ट दिया। माशाल्लाह से मेरे पास बहुत अच्छा है फेलो वी पाइड में मेल भी है कॉकटेल में और ये फीमेल है। नाजिन देखें, ये हमारे पास ये ऑरेंज वुड ऑफलाइन के लैंग्वेज भी है माशाल्लाह से, इसमें अंडे हैं और ये ऑरेंज वुड ऑफलाइन के माशाल्लाह। नाजिन मेरे पास बहुत सारे पेयर हैं और काफ़ी सारी ब्रीड आई हुई भी है माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह ताला अभी कुछ बच्चे निकलने वाले हैं, कुछ काफ़ी सारे निकले हुए भी हैं। ये अब नेक्स्ट कलर, ये मेरे ख्याल से लास्ट कलच है, इसके पास तो शायद कोई कलच ना हो, या देखेंगे अगर गर्मी का जैसा रहा, अगर आगे रहा तो कलच भी हो सकता है और ले लें। तो नाजिन कैसी वीडियो लगी लाजमी बताएगा, स्क्रीन पे नंबर चल जाएगा मेरा, कोई लेना चाहे रब्ता करना चाहे तो रब्ता भी कर सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहे इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है। और नाजिन किसी फेंसियर के जो रेड आई बर्ड्स मर रहे हों, जिसमें अल्बिनो हों या फिर कुछ और रेड आई हों जो चिक्स उसके सर्वाइव नहीं कर रहे हों, तो उसके लिए ज़रूर आप करें। हमारे पास एक फार्मूला है जो हम आपको अभी फ़िलहाल तो क्योंकि हमने भी कहीं से लिया है, फ़िलहाल आप हमसे टेस्ट के लिए ले सकते हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा फार्मूला है वो। उससे कम से कम जो 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 जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी दी होगी इस वजह से नहीं मरेगा वो कि भाई अल्बिनो के पट्टे ज़्यादा निकलने से मर जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी, मैंने खुद आजमाया हुआ है, मुझे खुद बहुत हैरत अंगेज उसके रिजल्ट आए, तो मैं आपको बताऊँगा। नाजिन आपको मुतायर इन्फॉर्मेटिव कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमारे वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को लाजमी देखिएगा। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।